गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन से मैनेज। दोस्तों, शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग से दोस्तों, कल चिट्ठियों का दिन था, कल लगातार कई लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। दोस्तों, हम लोग उन लेटरों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। दोस्तों, तो ट्रांसफर पोस्टिंग ऐसा लग रहा था कि अक्टूबर लास्ट से आवेदन हो जाएंगे और नवंबर में पोस्टिंग होने की पूरी संभावना थी दोस्तों, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। अब पोस्टिंग में 2 से 3 महीने की देरी होगा दोस्तों, और ये आपका ट्रांसफर पोस्टिंग है वो अगले साल दिसंबर लास्ट, नहीं तो फिर जनवरी में होने की ज्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं दोस्तों। 2 से 3 महीने का डिले हो रहा है, सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो गई है, स्कूलों में खाली सीटों की संख्या की सही जानकारी सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं मिल पा रही है दोस्तों। हालांकि माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सर का कहना है दोस्तों कि इस महीने के अंत तक सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा, इस महीने के अंत में बनकर के तैयार हो जाएगा, लेकिन ऑफिसर्स की बात मानी जाए तो ये इस महीने में अक्टूबर से लेकर के आपका 10 नवंबर तक दीपावली और छठ की छुट्टियां हैं दोस्तों, तो इसको बनने में, पूरी तरह से कंप्लीट होने में 15 नवंबर तक का समय लग सकता है, ऐसे ऑफिसर्स की तरफ से जानकारी दी जा रही है। वहीं इसके बाद कम से कम 10 दिनों का ट्रायल होगा दोस्तों, तो पूरा नवंबर आपका ट्रायल में और सॉफ्टवेयर डेवलप में ही निकल जाएगा, और उसके बाद 1 महीने का आवेदन करने का समय दिया जाएगा। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, यदि सॉफ्टवेयर में नवंबर में जो उसकी ट्रायल होनी है, यदि वहां पे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिसंबर पूरा महीना आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा दोस्तों, और अगले साल ही आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो पाएगी। आवेदन के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा दोस्तों। जो आपका सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में पंचायत के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। जब हम लोग पंचायत को लॉक करते हैं तो लॉक करने के बाद भी वो अनलॉक दिखा रहा है दोस्तों, तो जो आप 10 पंचायत चूज कीजिएगा तो उसके बाद उसे भी वो चूज में नहीं दिखाएगा, किसी और को भी दिखा सकता है दोस्तों। तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि जो हम 10 चूज कर दिए वो लॉक हो जाना चाहिए मेरे लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, लॉक करने के बाद भी वो अनलॉक दिखा रहा है, इस तरह की सॉफ्टवेयर में समस्याएं आ रही है दोस्तों। खाली सीट के बारे में भी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि किस विद्यालय में कितनी रिक्तियां हैं, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो ये समस्याएं आ गई है, और इस वजह से अब 2 से 3 महीने डिले होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है दोस्तों। वहीं अगली महत्वपूर्ण खबर जो है दोस्तों, वो वेतन कटौती को लेकर के है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जो जुलाई से आपका ये चल रहा था, अगस्त सितंबर तक आपका ये जो इस शिक्षा कोर्स से ऑनलाइन अटेंडेंस बन रहे थे दोस्तों, वो ट्रायल पीरियड में चल रहा था, और 1 अक्टूबर से ये आपका चल रहा है, तो ये ट्रायल पीरियड अब समाप्त हो चुका है, अब इसी के आधार पे आपको वेतन दिया जाएगा। एक चीज मैं इसके बारे में आपको कल के भी वीडियो में बताया था और आज भी आपको बता दूं कि जिन लोगों को अभी अभी जैसे ही आप इस शिक्षा कोर्स को फिर से अपडेट किए हैं, तो जब आप अटेंडेंस बनाते हैं तो वहां पे राइट साइड में जो 3 बिंदु आता है, 3 पॉइंट्स आते हैं या 3 लाइन्स आते हैं, तो वहां पे जब आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका पूरे मंथ का वहां पे अटेंडेंस शो करता है कि आप किस दिन अब्सेंट हैं, किस दिन प्रेजेंट हैं, किस दिन लीव पर हैं, किस दिन वीकली ऑफ है, किस दिन हॉलीडे है, ये सारा कुछ शो करता है दोस्तों। तो कई लोगों का शो नहीं कर रहा है, तो आप लोग सिर्फ अपडेट किए होंगे, आप लोग उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए, ये सारा चीज आप में दिखाने लगेगा दोस्तों। यदि एक बार में नहीं तो दोबारा फिर से आप इसको अनइंस्टॉल कीजिए और फिर से इंस्टॉल कीजिए, आपको सारा कुछ दिखाने लगेगा कि कौन कौन दिन आप आए थे, अब प्रेजेंट है, कौन सा दिन अब्सेंट है, कौन सा दिन हॉलीडे है, कौन सा दिन में आप लीव है, ये सारा। इवन 31 अक्टूबर को भी दिखा रहा है कि हॉलीडे है, जो दीपावली की छुट्टी है दोस्तों। तो इस तरह से वो आपको दिखाने लगेगा, आप उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो देखिये, इस बीच एक मामला यहाँ पे आया है दोस्तों, मधेपुरा का मामला है, जहां पे अगस्त और सितंबर में जो ट्रायल पीरियड था वहां पर भी फर्जी फोटो अपलोड किया जा रहा था दोस्तों, और फर्जी फोटो अपलोड करके जो अटेंडेंस बनाए गए थे
तीन शिक्षक शामिल हैं दोस्तों, और इसके बाद इन लोगों का वेतन को उनका वेतन कटौती किया गया है। एक शिक्षक है जिनका 35 दिन का, एक और शिक्षक है उनका 24 दिन का, एक और शिक्षक उनका 9 दिनों का वेतन कटौती किया गया है दोस्तों। वहीं अगली खबर जो है दोस्तों वो है आपको HRA से रिलेटेड है। HRA, जी हाँ दोस्तों, जितने भी BPSC वाले शिक्षक हैं उन सभी को 4% ही HRA दिया जा रहा है दोस्तों। लेकिन अभी अभी लेटर दरभंगा से निकला है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि शिक्षक उस विद्यालय में है जिस विद्यालय में 10% HRA दिया जाता है दोस्तों, वहां पे जो पूर्व से नियमित शिक्षक है उनको 10% मिल रहा है, या जो फिर नियोजित शिक्षक है यदि उनको भी 10% के वहां पे दिया जा रहा है HRA, तो जो BPSC वाले शिक्षक हैं उन लोगों को भी 10% HRA मिलना चाहिए, और उसके लिए आवेदन भी उन्होंने मांगा है दोस्तों। तो ये एक अच्छी पहल है, और प्रत्येक जिले में बिहार के 38 जिलों में जो BPSC वाले शिक्षक हैं TRE 1 और TRE 2 में हैं, इस समस्या से वो भी ग्रसित हैं, वो भी प्रभावित हैं, उन लोगों के साथ भी यही समस्या है। विद्यालय में नियमित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें 10% HRA, लेकिन जो BPSC वाले हैं उनको 4% HRA दिया जा रहा है। तो जल्द से जल्द सभी जिले में इसको लेकर के कार्रवाई किया जाए और सभी को HRA दिया जाए 10% दोस्तों। अगली जो महत्वपूर्ण खबरें हैं दोस्तों, ई सर्विस बुक को लेकर के अपर मुख्य सचिव माननीय A. सिद्धार्थ सर की तरफ से दोस्तों एक लेटर का जारी किया गया था जिसमें साफ साफ उन्होंने कहा था ई सर्विस बुक TRE 1 और TRE 2 BPSC से जो चयनित हुए हैं उनका ई सर्विस बुक के बारे में उन्होंने साफ साफ कहा कि नियुक्ति संपुष्टि वेतन निर्धारण प्रोन्नति ट्रांसफर कार्रवाई शैक्षणिक पुरस्कार प्रशैक्षणिक योग्यता ये जितने भी प्रमाण पत्र हैं ये सारे आपके ई सर्विस बुक का एक भाग होगा दोस्तों। इससे पहले जो सर्विस बुक होता था इसमें सारा कुछ तो होता था लेकिन आपके शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक जो प्रमाण पत्र हैं वो आपके ई सर्विस बुक का भाग नहीं होता था दोस्तों। लेकिन अपर मुख्य सचिव A. सिद्धार्थ ने कहा कि अब आपके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं वो भी ई सर्विस का एक पार्ट होगा, कोई भी अधिकारी कभी भी आपके किसी भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र को देख सकता है और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकता है। जब भी किसी को डाउट होगा तो आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जो है प्रमाण पत्र को देख सकता है, इसलिए ई सर्विस बुक का इसे भी भाग बनाया गया है दोस्तों। अगली महत्वपूर्ण खबर जो है दोस्तों BPSC TRE 1 एवं TRE 2 के शिक्षकों के लिए या स्टडी लीव को लेकर के है कि जो भी शिक्षक चाहते थे कि अपनी योग्यता और बढ़ाएं और भी क्वालिफिकेशन वो ज्यादा से ज्यादा लें तो उन लोगों के लिए है, और कई शिक्षकों की तरफ से लगातार स्टडी लीव की मांग की जा रही थी और प्रोबेशन पीरियड में स्टडी लीव दिए जाने की संभावनाएं कम थी दोस्तों। प्रोबेशन पीरियड में स्टडी लीव नहीं दी जा रही थी, एक लेटर भी आया हुआ था जिसमें आपको प्रोबेशन पीरियड में सिर्फ और सिर्फ CL, SL और मैटरनिटी लीव दिया जा रहा था, स्टडी लीव नहीं दिया जा रहा था। अब इसको लेकर के इस समस्या का समाधान हो चुका है, तो जो भी शिक्षक चाहते हैं कि वो अपनी योग्यता बढ़ाए और इसके लिए स्टडी लीव लें तो उसे अध्ययन अवकाश के नाम से नहीं बल्कि असाधारण अवकाश के नाम से उन्हें दिया जा रहा है दोस्तों। तो आप अपनी योग्यता विस्तार करने के लिए असाधारण अवकाश ले सकते हैं, इस अवकाश को लेने के बाद आपको वेतन की भुगतान नहीं की जाएगी दोस्तों। जितने भी दिन आप 1 साल 2 साल 6 मंथ जितने भी दिनों का आप अध्ययन अवकाश लीजिएगा या असाधारण अवकाश हम लोग इसको कह सकते हैं, तो असाधारण अवकाश आप लीजिएगा तो इस बीच में आपको वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से ये व्यवस्था कर दी गई है कि आप अपनी योग्यता विस्तार कर सकते हैं दोस्तों। अगली महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों विद्यालय में निरीक्षण को लेकर के, इसको भी लेकर के अपर मुख्य सचिव A. सिद्धार्थ सर की तरफ से एक लेटर जारी किया गया और उन्होंने साफ साफ कहा, कल ही ये लेटर आया था दोस्तों, और उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय से जब निरीक्षण चल रहा है तो भी जो उच्च अधिकारी होते हैं जो पटना से विभिन्न विद्यालयों में जाते हैं तो अभी भी विद्यालय में कमियां पाई जा रही हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और यदि ऐसा हो रहा है तो जो निरीक्षण करने वाले अधिकारी हैं पदाधिकारी हैं उनको कतई उनकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन्हीं की लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है और उनपे एक्शन भी लिया जा सकता है दोस्तों। जो निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी हैं उन लोगों के ऊपर ऐसा लेटर जारी हुआ है। विद्यालय में तरह तरह की जो चीजें हैं कमियां जो पाई जा रही हैं इसको लेकर के वो सख्त हैं, निरीक्षण को लेकर के बिल्कुल सख्त हैं और कहीं भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये अपर मुख्य सचिव माननीय A. सिद्धार्थ सर का कहना है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई, आज के खबरों में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सन से बने इसके साथ बने रहें और आप अपनी एकजुटता इस चैनल पे जरूर दिखाइए दोस्तों। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।